जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडू लाडू, आप सभी का सभी को गुड इवनिंग। आ जाओ देखिए जल्दी से जल्दी मेरे सभी लाडू शेर शेरनियों, आ जाओ देखिए। तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों, जहां कहीं पे भी हो निकल जाओ बाहर। आ जाओ देखिए अपने गुदड़ी के अंदर से देखना शुरू कर दो भाई। किसके अंदर से? अपनी गुदड़ी के अंदर से भाई। हाँ जी जल्दी के, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही है जो डरा नहीं। लाडो डरना नहीं है किसी भी चुनौती से। एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएसबी हेड कॉन्स्टेबल हो, कोई भी ऐसा एग्जाम क्यों ना हो, डरना नहीं है। अगर जीतना है तो डरना नहीं है। डरता कौन है? जो कायर होता है। अब तो फौज की तैयारी कर रहे हो भाई, डरने की सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ जी जल्दी से जुड़ जाओ देखे सभी के सभी से लाड ले। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को जय हिंद। और बोली भारत माता की। पहले सबसे पहले बोलो देखिए एक बार मेरे साथ, भारत माता की। अरे मेरे देशभक्तों वाह क्या बात है भाई। जय का नारा गूंजना चाहिए चारों ओर, चारों दिशाओं में। ऐसे लगना चाहिए कि हाँ भाई देशभक्तों की टोली यहाँ पड़ रही है। और ये वो देशभक्त है जो इस देश की मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? कि नाम नमक और निशान याद रखना लाड़ दो। एक काम की बात बताता हूँ आपको, लाख रुपए की। नाम नमक और निशान जिंदगी में याद रखना। नाम अपना, अपने माँ बाप का, अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने देश का, हमेशा ऊपर रहना चाहिए। आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि नाम खुद से लेके अपने माता पिता, राज्य और देश सभी का नाम ऊपर करो या गौरव करो, ऐसा काम करना है। नमक, नमक का मतलब है कि जिस मिट्टी का तुमने नमक खाया है उसके साथ गद्दारी नहीं करना, चाहे मिट्टी का हो या भले आप किसी भी इंसान के साथ अगर काम करते हो। आपने किसी का, वो बोलते हैं ना कि जीते लाइए दिल ते लाइए, जीते लाइए दिल ते लाइए, कदे नमक हरामी नहीं कीती, जिते नाल बे के खा लिया फिर ओदे नाल गद्दारी नहीं कीती। जीते लाइए दिल ते लाइए, कद वक्त गुजारी नहीं कीती, जिदे बैल जी के बैठ जिदे नाल खा लिया फिर ओदे नाल गद्दारी नहीं कीती, के तगड़िया ने ललकारते रहिंदे कद माड़े नाल माड़ी नहीं कीती। हां के तगड़िया नु लड़कारना है भाई, माड़े के साथ में क्या माड़ी करना है। हां तो मिट्टी यानी जिस मिट्टी का आपने नमक खाया है उसका हमेशा आपको कर्जदार रहना पड़ता है, याद रखना। जिंदगी में कभी भी उसके साथ गद्दारी नहीं करनी है। तीसरा है निशान। निशान का मतलब है कि जिस झंडे के नीचे आप युद्ध लड़ रहे हैं, यानी जिस झंडे की शान के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस झंडे के लिए, झंडा कौन सा आपका? तिरंगा भाई। तो वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, आपकी जान से ऊपर। यानी आपको अपने शरीर को बाद में देखना है, पहले उस तिरंगे को देखना है, ठीक है? हाँ जी सभी जगह के एडमिट कार्ड आ गए हैं, जिसने अभी तक नहीं देखा है देख लीजिए लाड लो जल्दी से। जितने भी स्टेट है सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं भाई, तो जिसने अभी तक नहीं देखा है देख लीजिए, ठीक है? हाँ जी हाँ जी जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई लाड लो, आ जाओ जल्दी। जल्दी जल्दी देखिए एक बार, जितने भी लाड ले देखिए दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। लाड लो ध्यान रखना, हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम, उसका नाम है कमांडो एकेडमी, ठीक है? क्या नाम है? कमांडो एकेडमी। यही हमारे एप्लीकेशन का नाम है जो कि आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आपको बता दूं अभी कमांडो एकेडमी के एप्लीकेशन पर स्पेशली एसएससी जीडी के छात्रों के लिए टेट सीरीज अवेलेबल कराई गई है मात्र 50 रुपए में। कितने रुपए में? मात्र 50 रुपए में। आवाज बहुत कर रखी है उधर, उसको कम करो। मात्र 50 रुपए में।
ठीक है। तो टेस्ट सीरीज मात्र 50 रुपए में। आप मेरे से पर्सनली भी जुड़ना चाहते हो लाड लो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है VEERAT विराट डबल डेज, ठीक है। साथ ही बता दूं हमारी एकेडमी में नए कोच स्टार्ट हो गए, लाड लो नया बैच स्टार्ट हो गया है। 8 तारीख से 15 तारीख एडमिशन की डेट है, आप एडमिशन कराना चाह सकते हो। यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, अगर इनकी तैयारी करनी है तो आप एकेडमी में आ सकते हो। SSB हेड कॉन्स्टेबल और आर्मी की लाड लो, लाड लो शुरुआत। अरे करें भाई शुरुआत, हाँ जी ओके, करते हैं शुरुआत लाड लो आज के क्वेश्चनों की और देखते हैं कि आज आप कितना हल कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार 50 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूं। अंत में बताइए कि आप इसमें से कितनों का सही आंसर दिए, कितने को गलत। सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसका कुछ नहीं भाई, हो गया तो हो गया। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, जैसे अगर मान लो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और आप उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि भाई आपने फोटो पे डेट नहीं डाली, जबकि आपने डेट डाली है, तो आप एक मेल कर दीजिए SSC की ऑफिशियल मेल साइट पे, तो आपको वहां से रिप्लाई जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी पहला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करिए जैसा कि शब्दकोश में आते हैं। ये क्वेश्चन SSC में ऐसा पक्का है, तो बताइए देखिए इसका जल्दी से अपना अपना आंसर रखिए लाडले सभी के सभी। जल्दी जल्दी बताइए कि शब्द कोश के अनुसार इनमें से क्रम सेट करिए कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और उसके बाद कौन आएगा। ये क्रम सेट करना आपको बहुत ही इजी काम है आपके लिए। जल्दी देखे लाड लो, जल्दी से अपना अपना आंसर रखिए भाई सभी के सभी। कमेंट थोड़ा फास्ट फास्ट करिए लाड लो। हाँ जी थोड़ा जल्दी जल्दी और धड़ाधड़ आंसर दीजिए, देखें बड़े ही जोश के साथ। बिल्कुल सही लाड लो, शब्दकोश के अनुसार का मतलब है कि अगर अंग्रेजी शब्दकोश में ये अक्सर लिखे जाते हैं, आपको पता अंग्रेजी शब्दकोश में अल्फाबेट के अनुसार शब्द होते हैं, जैसे इन सभी का पहला अक्षर देखिए सभी में S है, सेम है, तो इसे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पहले कौन आएगा। दूसरा अक्षर देखिए इसमें E, इसमें भी E, इसमें भी E, इसमें भी E, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब तीसरा शब्द पे जाते हैं, इसमें A और इसमें A, इसमें क्या है C और इसमें W, तो यानी इन दोनों में से नंबर एक पे आएगा। अब कौन सा आएगा तीसरे में, दोनों तक A यानी सेम है। अगला देखिए इसमें R और इसमें L, तो L पहले आता है या R, तो आप बोलोगे गुरुजी L पहले आता है और R बाद में आता है। अब इन दोनों में से देखिए पहले कौन आएगा, तो ऐसी ऐसी इसमें अगला है C, तो ये 3 नंबर पे आएगा और ये आएगा लाड लो 4 नंबर पे, तो आपका क्रम हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। हाँ जी बिल्कुल सही है जिसने आंसर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, बताइए देखिए लाड लो क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखिए कि एक विशिष्ट कोड भाषा में ग्रिप्स को इस प्रकार लिखा गया है और फ्रेम को इस प्रकार लिखा गया है, तो जेंस यानी जेंस होती है उसको किस प्रकार लिखा जाएगा लाडो। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए लाड लो, हर किसी का ये आंसर आने चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अब अंतिम समय है, अंतिम प्रहार है। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आ जाएगा। मजा क्या, आनंद आ जाएगा आपको। तो जल्दी जल्दी देखिए लाडो, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, SSC GD में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। कैसे देखो यहां पर इसकी कोडिंग अगर देखेंगे, जी आएगा 7 पे, आर आएगा 18 पे, आई आएगा 9 पे, पी आएगा आपका 16 पे और एस आएगा 19 पे, तो यही क्रम यहां पर लिखा गया है 7। अलग से देखिए आप, अगर आप अलग से देखोगे आपको नजर आ जाएगा 7 18, उसके बाद में 9 16 और 19, यानी इन अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द है इनका गणितीय अंकों में मान लिखा गया है। तो जे कितने पे आता है मेरे लाड लो, तो आप बोलोगे गुरु जी जे आता है 10 पर, हां जी। ई आता है 5 पर, हां जी। ए आता है 1 पर, हां जी। एन आता है 14 पर, हां जी। और एस आता है 19 पर, तो 10 51 14 19, ये रहा 10 51 14 19, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 2। क्या हो जाएगा, हां जी 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही।
और इस बार आप में से ज्यादातर लोगों यानी 85% का आंसर बिल्कुल सही है। यह बेहद कमाल की बात है भाई कि इस बार आपने 85% बच्चों ने सही आंसर दिया। तो बेटा ये तो इजी था, अब जिनको आंसर देना है इस क्वेश्चन का दीजिए देखिए मान्य तब कि किसी निश्चित भाषा में पेन को 42 लिखा जाए, गोम्ट को 57 लिखा जाए तो ट्रोन को कितना लिखा जाएगा, इसका आंसर दीजिए देखिए, इसका आंसर दीजिए जी। इसका दीजिए देखिए आंसर, तब मानेंगे हम। कहां भाई तैयारी है लाड लो की जबरदस्त, देखता हूं कमेंट करिए देखिए सबसे पहले कौन आंसर देता है। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है भाई। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले, अभी तक तो किसी का नहीं आया भाई। हाँ जी अभय कुमार जी एक इंसान है जिसका नाम है अभय कुमार, क्या नाम है अभय कुमार की आवाज में सबसे पहले सही आंसर आया है। चलिए लाड़ लो आपके पास में अंतिम 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अब मैं कमेंट पढ़ता हूं। हाँ जी कईयों के गलत है, सुमित कुमार जी आपका बिल्कुल गलत है और जितने भी लोगों ने पोल में वोट किया उसमें से 67% के लगभग लोग गलत है जी। इतना इजी क्वेश्चन बेटा, फ्री का नंबर है और आपको नहीं मिलेगा। अरे क्या आप में से 66% लोगों के गलत आंसर है। महारानी जी आपका सही है जी, राजा राजा बाबू सही है भाई आपका, शिवम जी गलत है, ये अपने शिवम गौतम जी चेंज हो रहे हैं लाडलो दूसरों को देख के, अपने आंसर पे रहिए भाई थोड़ा समझ जाइए। ज्यादातर लोग पता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते देखते गलत कर देते हैं। कैसे मैं आपके समक्ष पेश करता हूं अभी। ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि यहां पर लिखा हुआ है पेन, इसको 42 लिखा हुआ है, तो आप में से ज्यादातर यानी जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले छात्र होते हैं, कितने छात्र होते हैं 80% के आसपास ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चों में, वो पता क्या किए हैं, अरे गुरु जी इसमें क्या इसका योग 42 है, तो उन्होंने क्या किया सीधा इसका योग कर लिया, क्या किया 20 + 15 + r = 18 + n = 14 इनका योग किया तो 35 और 18 कितना हो गया भाई 53, और 53 और 14 67। तो इसीलिए आप में से ज्यादातर लोगों ने 67 आंसर बता दिया। लेकिन जब मैंने कहा क्या कहा कि जरा देर लगाइए आने में, तब उन्होंने देखा कि इसमें और इसमें योग के साथ में +2 कर रखा है, क्या कर रखा है +2, अगर आप इनका योग करोगे तो 40 ही होगा, +2 एक्स्ट्रा कर रखा है, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें भी +2 एक्स्ट्रा करना है, और जब एक्स्ट्रा करोगे तो गुणसूत्र हो जाएगा मेरे लाडलो, बात समझ आई। हाँ जी कि हाँ जी बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पे वार करेंगे, डार्लिंग डोंट वरी हो जाओ ना कभी दिल से वार करेंगे, इसका बताओ देखिए आंसर क्या होगा। और जिसने अभी एक बार लाइक और शेयर नहीं किया लाड़ दो देखिए एक बार 500 पार होनी चाहिए इसी क्षण लाइक की संख्या, भाई फौजियों के लिए लाइक की कमी इस देश में है, अरे इस देश की तो मिट्टी में रू रू में फौजी पैदा होते हैं और उसमें लाइक की कमी, ऐसा हो नहीं सकता, ये आंखें गवाही नहीं देती इस बात की, जल्दी बताइए देखिए लाडलो, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे लाडलो, जल्दी जल्दी लाइक की संख्या में बोल रहा हूं 500 पार होनी चाहिए, इस समय जब 500 बच्चे लाइव तो लाइक 500 पार होने चाहिए भाई, ठोके देखे दबा के दिल खोल के उड़ने दीजिए धूम। चलिए बताइए देखिए आंसर, अंतिम 10 सेकंड है, ज्यादा समय नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, 10। अरे विकास गोदारा देखता हूं भाई तेरा भी देखता हूं, 10, 9, 8, 7, 6, 5। हां जी अब देख रहा हूं कुलविंदर जी आप बी आंसर बता रहे हैं, सही
शिवम जी ये बता रही है, शिविम और कुलविंद्र भाई तुम्हारे में क्या चक्कर है, एक ये बता रहा है एक भी बता रहा है, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है ऐसा है कि अगर ये देखें यहां से यहां पे गया 13 से 19 पे तो प्लस 6 हुआ है, इसमें से इसमें गया तो प्लस 5 हुआ है, और जब ये इसमें से इसमें गया तो प्लस 8 हुआ है, तो प्लस सबसे पहले प्लस 6, तो जब ये इसमें से इसमें जाता है तो बिल्कुल प्लस 6 हुआ है और इसमें से इसमें प्लस 5 हुआ है, तो P से Y में अगर जाता है P कितने पे आता भाई 16 पे, तो वापस अगर Y में जाता है तो प्लस 9 हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये इसको देखते हैं, बिल्कुल सही है जी प्लस 6 हुआ है और ये भी बिल्कुल सही है जी प्लस 5 हुआ है, और जब M से U में जाएंगे M आता है 13 पे, U आता है किस पे प्लस 8 हुआ है ना, हाँ जी, तो आंसर A हो जाएगा, क्या हो जाएगा A हो जाएगा, जबकि आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर क्या बता रहे हैं B बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, हाँ जी बिल्कुल गलत है जी, पूरा का पूरा गलत है सरासर। बिल्कुल गलत है जी, ज्यादातर लोगों का गलत है, ज्यादातर लोगों का गलत है। चलिए जी अगला देखिए, इसमें बताइए देखिए क्या आएगा, इतना अरे बेटा आसान कहां, तो अगर आपको आसान लग रहा है, हाँ जी हर्षपाल जी बोल रहे हैं नकली फौजी है तू, क्यों तेरा पिछवाड़ा पेट्रोल मांग रहा है क्या लाडले, हाँ? अगर तेरे को देखना है तो बेटा नकली फौजी होता ना तो AK-47 हाथ में नहीं होती, जाके DP देख AK-47 इंस्टाग्राम ID है विराट चौधरी के नाम से, किस नाम से VEERAT, तेरे बाप के हाथ में भी नहीं होगी AK-47, ठीक है AK-47, और वो भी डबल एक नहीं ऐसे डबल बिड़ा रखी है, जाके देखियो कभी हाथ में लियो वीडियो देख लियो इंस्टाग्राम पे, ये आईडी है, हाँ? और फिर बोलियो नहीं तो इधर ही चैनल है दूसरा कमांडो एकेडमी आर्मी एकेडमी के नाम से, उस पे जाके देख लियो नकली फौजी, फौज के नाम पे चूतिया वो लोग बनाते हैं जो रजनीकांत तुलसी रीन के एड करते घूमते हैं, बोलो जुबा केसरी, उन चूतियों को लाइक करने वाले चूतियों हो तुम, ठीक है, रियल सामने खड़ा होता ना तो पिछवाड़े में आग भी लगती है और पेट्रोल लगाने की जरूरत भी पड़ती है, हर पेट्रोल अब तो मोदी जी ने सस्ता भी कर दिया, हम पूरा भर के देंगे, गारंटी है 1600 मीटर की टाइमिंग 3 के अंदर ला के देंगे, ठीक है, और फिर भी अगर कोई शक है डाउट है समस्या है तो आपकी खत्म कर देंगे, एड्रेस लिख दीजिए हमारी एकेडमी का एड्रेस क्या है, उच्चामन सिटी राजस्थान में है, दम अपनी माँ का दूध पिया तो आ जाना और लेके जाना इनाम, बता देंगे तेरे को पूरा का पूरा बता देंगे कि ये ले चिट्ठा, पूरा चिट्ठा दे देंगे, काहे चिंता कर रहा है भाई इतना, काहे इतना शर्मा रहा है, क्या गम है जो छुपा रहा है बेटा, यहां पर वो नहीं है कि बोलो जुबा केसरी है, दाने दाने में केसर का दम, वो उनको लाइक करो तुम बावली तरेडो, जब यहां रियली बंदा खड़ा है, ठीक है, समझे, और जाके देख लेना इंस्टाग्राम आईडी बता दिए, फेसबुक आईडी भी विराट चौधरी के नाम से, यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, इसी चैनल पे मिल जाएंगे, दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट वीडियो में जाके देखना, बहुत वीडियो है और ऐसे ऐसे वीडियो है जिसकी हद ही ना है, इंस्टाग्राम बताऊं क्या है, अरे दिखाने की जरूरत है क्या भाई, तो बेटा अगर तेरे पिछवाड़े में जलन हो रही है ना उसका कोई इलाज नहीं है, अक्सर होती है, और जितने आज मेरे साथ ये फौजी तैयार कर रहे हैं ना कल इनके पड़ोसियों की भी ये जलन होगी, मुझे पता है तू कोई आसपास का ही है, तेरे पिछवाड़े में पेट्रोल की सख्त जरूरत है, अब तेरा बस तो चलता नहीं, सामने खड़े होने की औकात है नहीं तेरी, तो ये कमेंट बॉक्स में तू जैसे वो मोट खा के लोग पाद मारते हैं ना रात को रजाई में, वैसे तू कमेंट बॉक्स में पाद मार रहा है, समझा, हिम्मत है तो बेटा एड्रेस दे रखा है कुचामन सिटी राजस्थान में, कमांडो एकेडमी नाम से मेरी एकेडमी है, आ जाना यहां,
ठीक है, पूरा का पूरा एड्रेस हेल्पलाइन नंबर बताऊं, 9588110608, ये आपकी पूरी मदद करेंगे ट्रेन का टिकट करने में। चलिए बताओ देखे लाड़ लो, बेटा वो कोई गद्दार होंगे कायर होंगे तो तुम्हारे जैसे चूतियों की सुनेंगे, यहाँ फौजी खड़ा है, अगर तुम इतना सा बोलोगे ना पूरा पेल देंगे। ठीक है, ए पाक तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा, ए पाक तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा, तू साले बेचारा था और बेचारा ही रहेगा, इसमें कोई शक ना है। ठीक है, तो तू बेटा यहाँ कमेंट बॉक्स में पा दे सकता है, औकात है दम है असली माई का लाल है, तो यहाँ आके बताना, बता देंगे पूरी आईडी। बताओ देखे आंसर मेरे लाड लो, देखो आर क्यू क्या हुआ भाई, -2 -1 -2 -3, यानी -1 -2 -3 -4, इसमें भी एक पहले क्या होगा -1, तो क्या आएगा भाई F, फिर -2 होगा तो M, और फिर -3 होगा तो L, F M L जिसका आया है बिल्कुल सही है भाई, जिसका F M और L आया है बिल्कुल सही है जी, तो ये होगा आंसर। ठीक है, आईएमपी का एडमिट कार्ड आ गया, सभी का आ गया भाई, विद्यार्थी स्कूल, उसी प्रकार बताना इनमें से कौन सा सही है, पेंसिल लिखना, कप पानी, रोगी अस्पताल, दूध प्रोटीन। विद्यार्थी स्कूल बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, सही से आंसर देना, गरम पानी लेके आना, गरम करो, हाँ हाँ करवा के ला। बताओ भाई जल्दी, जल्दी बताओ, बहुत कंफ्यूजन वाला है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं भाई, जल्दी बताओ देखिए क्या आएगा आंसर, थोड़ा जल्दी 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 लाडले, जिसने अभी तक लाइक नहीं ठोका है, अब तक लाइक की संख्या 1000 पार होनी चाहिए, लेकिन आज बहुत कम है। अरे अगर आप भी चाहते हैं कि जिनके पिछवाड़े में पेट्रोल लगता है फौजी क्लास में, उनके अगर पेट्रोल का सहयोग करना चाहते हैं तो लाइक मारते रहिए, उनके पिछवाड़े में आपकी तरफ से एक एक बूंद डल जाएगी, देखते हैं कितने लोग हैं जो डालना चाहते हैं भाई। देखो विद्यार्थी स्कूल है, लाड लो विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं ना, वो बात अलग है कि सेटिंग वेटिंग के चक्कर में थोड़े इधर उधर निकल जाते हैं, वो पर्सनल बात है, वो हम किसी को नहीं बताएंगे, बाकी स्कूल में जाते हैं पढ़ने, वो पर्सनल बात हम यहाँ पर किसी के सामने नहीं बोलेंगे, वो तो वो एक अलग चीज़ है, वो उधर जाते हैं ना बीच बीच में पार्क वार्क में, वो कोई किसी का घर वाला भी देख सकता है, मान लो मैं बोलूँ किसी का घर वाला भी देख सकता है ना, इसलिए वो बात हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हम नहीं बोलते भाई, हमारी तरफ से स्कूल में जाते हैं, इसीलिए हमने लिखा विद्यार्थी स्कूल, नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं विद्यार्थी पार्क, पर लिख सकते हैं ना कुई के पीछे है, खेत में, चने के खेत में है, लेकिन हमने नहीं लिखा है, क्यों, कहीं के पेरेंट्स भी देख रहे होंगे भाई, गलत समझ जाएंगे, इसलिए विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और रोगी अस्पताल में जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा भाई रोगी अस्पताल, बात समझ आई, चिंता मत करिए, मैं आपकी बात अंदर के अंदर ही रखूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा भाई, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं बोलते कि भाई विद्यार्थी बीच बीच में इधर उधर जाते हैं। बल्ला क्रिकेट गेंद शतरंज स्केटिंग तैराकी और फुटबॉल, बताओ भाई बल्ला क्रिकेट से जिस प्रकार संबंधित है, जल्दी बताइए देखें, जल्दी जल्दी, जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए उसी तरह रोगी अस्पताल में जाता है, हाँ जी बेटा हमने कवर कर लिया, अब तू कवर मत कर, हमने कर लिया कवर, जल्दी बता दे खिलाड़ लो, हाँ बाजरे के खेत में, वो बातें हम यहाँ नहीं बताएंगे किसी के सामने, वो गलत चीजें हैं, वो हम किसी को नहीं बताएंगे भाई, हमारे हिसाब से स्कूल में जाता है विद्यार्थी, वो हमारी पर्सनल है यार। देखो बल्ला क्रिकेट, बल्ला किसमें होता है, क्रिकेट है, उसी प्रकार गेंद से कौन सा गेम होता है भाई,
फुटबॉल होता, फुटबॉल के लिए गेंद होना बेहद जरूरी है, नहीं तो फुटबॉल काहे खेलोगे भाई। वो एक अलग बात है कि तुम जब ट्रेनिंग में जाओगे ना, तब तुम्हारी फुटबॉल बना दी जाएगी। उस्ताद बोलेगा इधर आ, तेरी फुटबॉल बनाता हूँ, इधर आ, ओ काली इधर आ, कालू इधर आ। चलिए भाई अगला, निम्नलिखित में से विषम चुनना है। विषम का मतलब है कि एक युग्म अलग है। बर्तन, चम्मच, फर्नीचर, कुर्सी, लेखन सामग्री, पेंसिल, कमीज, वस्त्र, इनमें से एक अलग चुनना है। बहुत ही कमाल का आंसर है, देखते हैं कि आप में से किसमें कितना दम है। सर आप मजे ले रहे हैं, अरे बेटा जीवन ही ऐसा है। इसका जो आंसर दे देगा ना, मान जाएंगे भाई उसकी गारंटेड सिलेक्शन है। क्या है? गारंटेड सिलेक्शन है, उसको कोई रोक नहीं सकता 100%। अगर वो आंसर सही देता है तो बताइए, देखें जल्दी जो वोट करिए भाई, वोट और सपोर्ट बनाए रखिए, लौट दो बाकी हम देख लेंगे। जल्दी जल्दी के पाक, मेरे को ये बहुत प्यारी लगती है भाई लाइन, कि तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, फटी हुई तुमको छाछ देंगे, खीर भी नहीं देंगे हम तो छाछ देंगे। तुक्का कैसा लगाया जाता है? देखो तुक्का ऐसे, इंडक मिंडक तड़ाक तू, पतकी गोली सीखे तू की तू, ये तुक्का ऐसे लगता है। अब देखिए भाई, बर्तन, बर्तन के अंदर क्या था बेटा? चम्मच, यानी बर्तनों में एक चम्मच भी बर्तन का प्रकार है। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोलो तो रोक देना, रुको गुरु जी ऐसे कर लेना। फर्नीचर के अंदर कुर्सी आती है, अब वो तो तुम ऐसे देंगे निकालोगे कि सर कुर्सी, कुर्सी तो लोहे की भी आती है, लेकिन फर्नीचर के अंदर भी तो आती है। हाँ जी, लेखन सामग्री में क्या आती है? पेंसिल और कमीज, वस्त्र। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, बाकी सब में क्या है, जैसे फर्नीचर, बर्तन, लेखन सामग्री, ये आगे लिखा हुआ है, इसमें यहां पर आना था वस्त्र, और वस्त्र के अंदर क्या था भाई? कमीज। ये इसका सही क्रम था, राइट क्रम था, तो इसको क्या कर दिया है? उल्टा पुल्टा कर दिया है। जब उल्टा पुल्टा इसको कर दिया है, तो अपना विषम कौन सा हो गया भाई? ये अपना विषम हो गया है। हाँ जी, कमीज वस्त्र की जगह आता और वस्त्र कमीज की जगह आता। बताओ देखिए किस किस के सही है। चलिए लाड़ लो, अब मैं आपकी तैयारी चेक करता हूं, उससे पहले एक बार बोले भारत माता की। अरे जय का नारा आना चाहिए ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़, और एक बार दबा के देखिए 1,000 लाइक का टारगेट इसी क्षण पूरा होना चाहिए। जितने भी मेरे लाडले हैं दबा के लाइक और शेयर करिए देखिए क्लास को, ताकि 1,000 का टारगेट इसी क्षण पूरा होना चाहिए। आज 30 मिनट से पहले 1,000 लाइक जाने चाहिए भाई आज, तभी मजा आया। और कल आपकी मैराथन क्लास है, आपको पता है कल 9 बजे से पूरी की पूरी रीजनिंग का एक साथ रिविजन, एक ही क्लास में पूरी रीजनिंग है, तो एक बार उसके लिए भी भाई दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए अब आपके सामने 5 क्वेश्चन पेश करूंगा मैं, कितने? 5, और 5 में से देखते हैं कितने परसेंट ऐसे हैं जो 5 में से 5 करके दिखाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से अलग छाड़ना है, नौकर, अस्पताल, नौकर और अध्यापक, अलग छाड़ना है विषम। 5 क्वेश्चन का टारगेट है, मैं यहां पर आपको नंबर देता रहूंगा कि आपका माइनस गया या प्लस। 5 में से 5 जो सही करके दिखाएगा, देखते हैं आज कौन है। हाँ कल पूरे दिन क्लास में देखे कौन कौन रहने वाला, हाथ खड़े करो, देखे बताओ भाई। बताइए भाई इसमें से विषम कौन सा है? अरे वाह रे वाह मेरे लाड़ दो, पहला ही क्वेश्चन आप में से ज्यादा की भैंस पानी में गई है। अरे जिनकी भैंस पानी में चली जाती है वापस कैसे आती है भाई? कल भी इनमें से कईयों की भैंस पानी में चली गई थी। अच्छा भैंस आ जाती है, तुम बाद में आते हो पीछे से। हाँ, वाह रे वाह, आप में से मात्र, आप मतलब क्या कहाँ तैयारी करते हो रे तुम? हैं किसी पड़ोसी को बता मत देना कि ऐसे ऐसी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं तो अगर पड़ोसी 2-4 क्लास पढ़ा हुआ निकला ना, तुम्हारी भैंस पानी में नहीं, तुमको खुद को पानी में ढकेल देगा। हैं पढ़े लिखो बुजदिलो, बावली तरेड़ो, ऐसे जीडी में नंबर आएगा। ऊपर वोट में देखिए, आप में से 50% लोगों ने आंसर किया अस्पताल। अरे 50% ने अस्पताल आंसर किया है, क्या अस्पताल होगा? है? अरे अस्पताल होगा क्या? एक बार सोचो, अपनी ईमानदारी दिल पे हाथ रख के सोचो,
कि सुन को ध्यान से देखो, डॉक्टर, अस्पताल, नौकर और अध्यापक, क्या अस्पताल होगा? आप कमेंट करिए, चलिए 10 सेकंड देता हूं कमेंट के लिए, 10, 9, 8, 7 सेकंड मेरी स्पीड से चलती है, चलती से कमेंट करिए। पड़ोस के घर में घंटा डीजे, पड़ोसी तुम्हारी छाती पे डीजे बजाएगा, अगर बेटा नंबर ना आए ना, देखना तुम्हारे कैसे जलाएगा, पिछवाड़े में डेली पेट्रोल डाल के जाएगा। देखो, हाँ जी, अस्पताल आंसर दिया आपने बिल्कुल सही है, लेकिन दिया कितने लोगों ने? 50 से 48 हो गए, यानी 48% को बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन 52% लोग तो अभी भी फेल है। यह कंपटीशन है SSCGD का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। डॉक्टर एक व्यक्ति होता है, नौकर भी एक व्यक्ति होता है, अध्यापक भी एक व्यक्ति या पुरुष होता है या महिला होती है, लेकिन होता है। क्या अस्पताल कोई इंसान है, मनुष्य होता है कोई? अरे कोई मनुष्य अस्पताल होता है क्या भाई? वो एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर डॉक्टर रोगियों का इलाज करता है। अब इतने इजी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं पता तो मेरे ख्याल से आपको, कांग्रेस के राज में एक मनरेगा नाम का एक कार्यक्रम चला था जिसके दौरान नाड़ियां खुदाई जाती है, तो आपको वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो भी सरकारी है, 100 दिन रोजगार सरकारी है, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, सीधा सिलेक्शन है, जॉब कार्ड बना लो और लग जाओ भाई। आज ही डॉक्टर, अस्पताल, नौकर, अध्यापक, इसमें भी नहीं पता है, बोलो। लो अगला पकड़ो, इनमें से अलग बताना, पहले बता रहा हूं मैं अलग। अलग बताइयो, अलग बता रहा, देखिए क्या था जल्दी, और ऐसा नहीं कि लेके बैठ देना, तुम कब तक बताओगे है? जल्दी बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है, SSCGD के पेपर में लेवल के अनुसार है, अगर आप इसको भी नहीं कर पाए तो बेटा फिर आपके लिए सबसे अच्छी है जो है मनरेगा, उसमें आप है ना मेट बन जाओ, मेट का फॉर्म भर दो। इसमें क्या बेटा, +3 +3 +3 +3 +3 +3 एल और पी में आता है तो +4 हो जाता है, क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, एल आता है 12 पे, पी आता है 16 पे, और पी से एस में जाते हैं तो +3, लेकिन यहां मिस्टेक हो गई क्योंकि इसमें +4 हो गया, इसका मतलब हमको तुमसे प्यार हो गया, इस बार तुम्हारा बेड़ा पार हो गया भाई। ये लीजिए आंसर, यानी अभी तक आपने 2 में से कितने आंसर दिए, 2 नंबर आगे हैं। इसका बताइए भाई, क्वेश्चन देखिए थोड़ा अच्छे से, निम्नलिखित विकल्पों में से युग्म दिए गए माइनस इसके बाईं तरफ के अक्षर और दाईं तरफ के अक्षरों में किसी नियम संदर्भ तंत्र का, इनमें से 3 अलग है, बताओ इनमें से एक अलग है, यानी वही क्वेश्चन है, विषम छाटना है, विषम छाटना है, इसका आंसर दीजिए। देखे इसका आंसर दीजिए भाई, जल्दी से दीजिए, देखे इसका आंसर, इसका आंसर दे दीजिए। देखे कौन है वो माइका लाल जो सबसे पहले आंसर बताएगा? लाड़ो ये गलत बात है, मैं बोला कि फौजी की क्लास में और लाइक की कमी, 1000 लाइक इसी क्षण हो जाने चाहिए, अगर आपको मातृभूमि से प्यार है, रियल में देश इस आपके दिल में किसी फौजी के लिए जगह है, तो इस समय लाइक वाला बटन सबका दब जाना चाहिए, अगर अब भी नहीं दबा तो कुछ हो नहीं सकता। लाड़ो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप में मेरे में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं 2015 वाली में लगा था और आप लगोगे 2021 वाली में, हाँ आप मेरे से 5 साल जूनियर जरूर होगे, लेकिन हाँ एक खास बात हो रही है मेरे आप में कि मैंने CRPF ज्वाइन की है और आपको उसी का मौका नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला भाई आपको। जल्दी बताइए, देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी भाई, भीड़ तो देखे मैंने लेकिन आप जैसे नहीं, 1000 बच्चे लाइव है और लाइक फिर भी कम, मतलब भीड़ तो देखे मैंने लेकिन आपके जितने नहीं, बोलो
मैं अभी जस्ट एक इंजेक्शन लेके क्लास शुरू किया हूँ, मेरे सर पे देखो पसीना भी आ रहा है सर्दी के अंदर, अभी जस्ट एक इंजेक्शन लगाया, कल भी इंजेक्शन लगा के क्लास शुरू किए, दोनों बम डम दर्द कर रहे हैं मेरे, बम पे बम बम हो गया है। लेकिन चलो कि भाई अंतिम समय है, आपका समय खराब ना हो, आप सुबह से दिन पूरे दिन इंतजार करते हैं इस क्लास का, ये क्लास खराब ना हो। लेकिन भाई आपको तो एक लाइक शेयर में भी जोर आ रहा है, है? बेटा देखो इसमें क्या है, केपी इसका अपोजिट, जीटी इसका अपोजिट, एच एस हनी सिंह इंडियन रेलवे, मन और जीटी यानी एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें एल ओ आता था, यहां पर क्या आना था, एल ओ, और एम एन आना था, तो ये आपका अलग हो गया, बाकी सब में क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। हाँ जी बिल्कुल सही विकास गोदारा जी, बिल्कुल सही कि हाँ जी बिल्कुल, प्यार करेंगे सीधा दिल पर वार करेंगे, डार्लिंग डोंट वरी हो जाओ ना, कभी दिल से वार करेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा आदमी ने, कि वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई की पुत्री है। महिला से उस आदमी का किस प्रकार संबंध है भाई, ये बताओ लाडलियो, जितने भी पापा की परिया है बताओ देंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई की पुत्री है। महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, आंटी पत्नी बहन और पुत्री, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी सरफराज अहमद जी, क्या गजब का आंसर दिया लाडले, सरफराज जी बिल्कुल सही आंसर दिया जी आपने। हाँ जी बिल्कुल सही, सीआरपीएफ वैकेंसी जल्दी आएगी बेटा, अभी इसकी सोचिए, अभी सीआरपीएफ की मत सोचिए, अभी इस पे फोकस करिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, बाकी कल की कल देखें। है जल्दी से दीजिए कि आंसर क्या होगा मेरे लाडलो, जल्दी जल्दी, अरे थोड़ा जल्दी जल्दी भाई, देखो क्या होगी। हाँ जी आप में से ज्यादातर लोगों का सही आंसर है, और जिसने नहीं दिया है जाके अपनी भैंस चराए। देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता, मान लो मैं वो आदमी हूं, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री यानी मेरी बहन के भाई यानी मैं भाई की पुत्री यानी मेरी पुत्री, तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध हो गया भाई, पुत्री हो गई, क्या हो गई, पुत्री हो गई। हाँ जी पुत्री हो गई जी, पुत्री। चलिए ये बताइए, ये पांचवा क्वेश्चन है ना आपके लिए, या चौथा क्वेश्चन है। श्वेता चलना शुरू करती है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है। ये मान लो यहां से चलना शुरू किया, कुछ दूर चलने के बाद में वो बाएं मुड़ती है, अब वह कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ती है, ये लो जी हमने दाएं मोड़ दिया है, कुछ दूर चलने के बाद में वह अंत में दाएं मुड़ती है, ये लो इधर मुड़ गई दाएं दाएं मुड़ती है। यदि उसका दक्षिण दिशा की ओर है, यानी अभी मुंह ये दक्षिण है, तो ये कौन सा हो गया बेटा, पश्चिम। तो अब उसे उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है पश्चिम, तो उसने चलना शुरू किस दिशा में किया था, पूर्व में। हाँ जी बिल्कुल सही, लेकिन पोल में अभी भी बहुत सारे गलत आंसर दे रहे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा गलत आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला देखिए, हाँ ये बताइए देखिए क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा, जल्दी बताइए देखें किसकी तैयारी कैसी है, अभी पता चल जाएगा। कि मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, तुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, सजरा सवेरा तेरा चनवर का, कजरा अंधेरा तेरी जलती लो, कतरा मिला जो तेरे दरबर का, मोहला कुन पाया कुन कुन पाया कुन। गुरुजी पांच सही हो गए हैं, पांच के पांच सही हो गए, वाह भाई वाह, इसका दीजिए देखिए आंसर, अगर पांच के पांच सही हो गए मेरे लाडले तो इसका आंसर दे भाई, जल्दी से दे भाई।
जल्दी भाई क्या आएगा? जल्दी बताओ। देखें, देखो जी के यानी प्लस चार, यहां पर क्या है? अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे चलना पड़ेगा। प्लस चार, प्लस चार और फिर प्लस चार करेंगे तो ओ, प्लस चार करेंगे तो क्या आएगा? एस। इधर क्या हुआ भाई? माइनस। कितना हुआ है? छ। माइनस सॉरी, हाँ माइनस पांच हुआ है। माइनस पांच, माइनस पांच, इसमें से माइनस पांच आएंगे, क्या आ जाएगा? वी वी आएगा। और इधर देखिए, 28, 40, 52 और आ जाएगा 64। अब बताओ वी आएगा या यू? माइनस पांच करना है, ए में से माइनस पांच के, तो वी आएगा या यू आएगा बताओ। देखें जल्दी बताओ। देखिए लाड दो, एस वी 64। हाँ जी बताओ भाई क्या आएगा? हाँ जी एस वी 64, बिल्कुल सही है जी। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बताइए। देखिए दी गई श्रृंखला में एक पद गलत है, इनमें से देखो एक गलत दिया हुआ है, बताओ वो कौन सा पद है? इनमें से एक गलत है भाई। एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ देखिए कौन सा गलत पद है वो? बताओ देखिए। अच्छा आपको मौका मिला सीआरपीएफ ज्वाइन करने का, तो कर लीजिए भाई। बताओ भाई कौन सा है वो गलत पद? जल्दी बताओ देखिए कौन सा है गलत पद? अरे बताओ भाई कौन सा है गलत पद, जल्दी जल्दी बताओ लाड दो। देखें कौन सा है वो गलत पद जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, जल्दी से बताओ मेरे लाड दो। हाँ बताओ देखे लाड लो, जल्दी बताओ देखे लाड लो, गलत पद कौन सा है जल्दी से बताओ। क्या हुआ भाई, घबरा गए क्या? ऐसा क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में, और जब आपके होश उड़ जाते हैं ना फिर आप भग जाते हो। है दम तो बताओ देखे इसका आंसर, देखते हैं कितनों में दम है। वोट करिए देखिए पोल में, मैं देखता हूँ कमेंट इस क्वेश्चन के, मैं कमेंट 100% देखूंगा। बताइए देखिए आंसर, चलिए मैं कमेंट देख रहा हूं आप में से। कमेंट के अनुसार अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक का भी सही आंसर नहीं है, एक का भी 0%। सर जी बिग फैन, अच्छा धन्यवाद जी, आंसर दीजिए, अभी तक एक का भी सही आंसर नहीं आया। घबरा गए हैं? हाँ जी घबरा गए हैं। एक का भी सही आंसर नहीं है, 90 नहीं 100% फेल, 95% तो मैंने देख लिया फेल है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी एक का भी सही आंसर नहीं दिया है। चलिए एक बार आपको अंतिम 10 सेकंड देता हूं, अगर है दम तो दीजिए अपना सही आंसर, अगर है दम तो अपना सही आंसर दीजिए भाई। अब जाके एक लड़के का सही आंसर दिखा है जिसका नाम है खुशी राम कुमावत, और उसके साथ है इंडियन आर्मी लवर। ठीक है अब देख लो भाई, देख लेना भाई किसका होता है सही किसका गलत। वैसे तो सभी का गलत है, एक दो बच्चे हैं जिसका सही है, बाकी सबकी भैंस पानी के अंदर चली गई है। बेटा एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर इसको गलत किया इसका मतलब है कि आपके माइनस में इस बार भी एक नंबर आप छोड़ दोगे। है दम तो बताइए आंसर, नहीं तो देखिए। देखो आर यहां पर है, ओ यहां पर है, एम और यहां पर है। देखो अब क्या क्रम चल रहा है इसको देखिए, प्लस छ, प्लस छ, प्लस
प्लस छ और प्लस छ, यानी पहला पहला शब्द में क्या हुआ भाई, प्लस छ सभी में। अब देखिए ओ से डब्लू प्लस आठ, प्लस आठ, प्लस आठ और प्लस आठ। अब इसमें देखिए यहां से माइनस सात, माइनस सात, माइनस सात, और इसमें से अगर एम में से माइनस सात करेंगे तो क्या आएगा, छह। लेकिन यहां पर आया क्या है जी, यानी एम की जगह क्या शब्द होना चाहिए, एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, एन होना चाहिए। तो गलत क्या हो गया, रोमंड। समझे, अरे होश उड़ गई, नींद उड़ी कि नहीं उड़ी तुम्हारी, नींद उड़ी कि नहीं उड़ी तुम्हारी भाई, बता तो दो एक बार। अरे उड़ गई हो तो वैसे बता दो, और ना उड़ी हो तो वैसे बता दो, उड़ गई ना नींद, हाँ उड़ जाएगी, नहीं तो अगले क्वेश्चन में उड़ जाएगी, बता दो। इसमें उड़ जाएगी भाई, जिसकी नहीं उड़ी है इसकी उड़ में उड़ जाएगी, बताओ देखे। इसमें नींद उड़ जाएगी जिसकी नहीं उड़ी है, बताओ देखे जल्दी से। जल्दी बताओ देखे। हाँ विकास गोदारा तेरा सही था भाई, लेकिन तेरे एक के सही होने से क्या होगा, बताओ देखे। इसका आंसर बता दो भाई, देखिए मान लेंगे कि आपकी तैयारी बहुत तगड़ी है, और नहीं तो देख लेना नाक रगड़ लेना अपना। आंसर बता दो भाई इसका, मान लेंगे कि बहुत ही तगड़ी तैयारी है, आंसर बता दो इसका, जो इसका आंसर बता देगा मान जाएंगे बहुत ही खतरनाक तैयारी है। आज देखते चलिए, मैं कमेंट ही देख रहा हूं आपका, देखिए आज कौन कौन वो सूरवीर है जो सही आंसर देंगे। देखिए जल्दी से अपना अपना कमेंट रखिए, मैं आपके कमेंट को पूरी पैनी नजर से देख रहा हूं भाई। जल्दी से देखिए भाई, अभी तक बहुत ही कम का सही आंसर, कम का क्या, अभी तक तो बोहनी बट्टे नहीं हुई हैं, सभी के गलत आंसर आ रहे हैं, बोहनी भी नहीं हुई है, गलत आंसर। अमित सिंह बिल्कुल सही आंसर भाई, एक बच्चे का सही आंसर आया इतनों में, मात्र एक बच्चे का इतनों में सही आंसर आया, बाकी सबके गलत चल रहे हैं भाई। एक और बच्चा आया सामने, विकास गोदारा। हाँ जी विकास जी आपका सही है, और कोई, अरे और कोई भी नहीं है, इतने 1000 बच्चे हैं जिनमें से मात्र 2 या 3 बच्चों के सही आंसर। ये कंपटीशन है एसएससी जीडी का, जो मेरे से पूछते हैं ना कि सर क्या कंपटीशन रहेगा एसएससी जीडी का, तो मैं बता दूं ये कंपटीशन रहेगा एसएससी जीडी का, जो आप अपनी आंखों से देख लो कि 1000 बच्चों में मात्र 1 या 2 को छोड़कर बाकी सबका गलत। भाई तुम्हारी भैंस पानी में नहीं है, तुम्हारी भैंस की चली गई है कादे के अंदर। मैं इतने कमेंट देख लिया, अब 1-2 नाम और बताता हूं जिनके सही आंसर आए हैं। अजीत गलत आंसर है, विकास गोदारा सही आंसर है, भजीत तांडू जी सही आंसर है, अतुल कुमार सही आंसर है, शुभम गलत आंसर है, अस्मिता बिल्कुल सही आंसर है, ईशा खान सही आंसर है, भाई दीपक जी आपका सही है, बाकी सबका गलत गलत आंसर आ रहा है। मैंने जिनके नाम लिए वो चुनिंदा 4-5 बच्चे हैं जिनके सही आंसर है, बाकी सबके गलत है। अरे भाई तुम भैंस खाते हो क्या रे, हैं कहां गया तुम्हारा दिमाग, लेकिन दिमाग तो वहां गया ना। ओहो बाबू आप सो जाइए, लेकिन फोन चालू रहने दीजिए, मुझे आपकी सांसों की आवाज सुननी है। ओहो बड़ी तेरी बाबू की सांसों की आवाज आती है तेरे फोन में, अरे वो सांसों की आवाज नहीं आ रही, वो जो तू सुन रहा है ना कि बादलों की गर्जन हो रही है, वो सांसों की आवाज नहीं है, उसने बाबू ने रात को मोठ की दाल खा ली है और 2-3 मूली खा ली है, वो धमाके कर रही है, पड़ोसियों का जीना हराम कर रखा तेरी बाबू ने, पड़ोसियों के घर ऐसे ऐसे चल रहे हैं।
उनके दिल में ऐसे ऐसे हो रही है, समझे कि आय हाय शर्म आ गई का, फोन काट दी, मम्मी आ गई का, देखो अब क्या हुआ है। इसमें से अगर इसमें जाएंगे तो प्लस कितना करेंगे 19, और जब इसमें से इसमें जाएंगे तो प्लस कितना करेंगे बताओ, देखें 1 और 3 31, और जब इसमें से इसमें जाएंगे कितना प्लस करेंगे 37। तो यानी इसमें 19 है और इसमें से इसमें जाएंगे तो प्लस करिए भाई 23, ठीक है, क्या करिए प्लस 23। तो 23 इसमें अगर हम प्लस करेंगे, नहीं यहां पर कितना प्लस है 1 31, कितना आ जाएगा भाई 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55, और जब इसमें से ये इसमें जाएगी तो कितना प्लस हो जाएगा 29। हाँ जी, तो आंसर क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब इसमें अगर आप क्रम मिलाओगे तो देखो प्लस कितने हुए, उनका क्रम ले लो 19 23 29 31 37। पहली बात तो ये सभी अभाज्य संख्या है, अरे सभी के सभी क्या है अभाज्य संख्या, 19 के बाद में 20 भाज्य, 21 भाज्य, 22 भाज्य, 23 अभाज्य, 23 के बाद में 24 भाज्य, 25 भाज्य, 26 भाज्य, 27 भाज्य, 28 भाज्य, 29 अभाज्य, 30 भाज्य, 31 अभाज्य, 31 के बाद में 32 भाज्य, 33 भाज्य, 34 भाज्य, 35 भाज्य, 36 भाज्य, 37 अभाज्य। यानी लगातार अभाज्यों का क्रम जोड़ा गया है, लगातार अभाज्य संख्याओं का क्रम जोड़ा गया है, और उसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 55 हो जाएगा। नींद उड़ी कि नहीं, मेरे बाबू ने गाना गाया क्या, अरे बाबू ने पेल दिया यहां तक, गाना क्या गाया बाबू के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, यहां तक ले रखा तेरी बाबू ने। बेटा माँ बाप से ना पूछते कि माँ बाप ने गाना गाया कि नहीं गाया, बाबू ज्यादा जरूरी है, माँ बाप की कोई चिंता नहीं माँ बाप ने खाना खाया कि नहीं खाया, वैसे बाबू जरूरी है कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया है। बाबू गई थी भंडारे में रायते के 25 गिलास पी के आई है, 55 रोटी, 2 वो क्या बोलते हैं भगोले दाल के चेप के आई तेरी बाबू। मैं था उस भंडारे में, बता देता हूं तेरे को, तेरे बाबू ने जाते सीधा बोला था कि 2 पतीले दाल के 55 रोटी ले आओ, टकारे मारे तेरे बाबू, गांव परेशान हो रखा तेरे बाबू की वजह से, डी आई तेरी बाबू। दी गई श्रृंखला में एक पद गलत है भाई, बताओ वो कौन सा पद है। हाँ बताओ वो कौन सा पद है, अरे मैं उसी भंडारे में था जिसमें तुम्हारी बाबू गई थी भाई तेरी। जल्दी बताओ, देखें अपनी बाबू कोई नहीं है, बस अपनी बाबू लाड़ लो, वो है कौन AK-47 संजय दत्त उस तादमान आख्या यार न तेरा गर्म लहू तो सीधी गोली मारन है, ऐसे छोटी मोटी धमकी से डरे ना रे कोई है, तू बार बार काट के दिखावे फोन ने, जामी लाल रे में लाल तेरे बड़े डोन ने, छोटू पानी पी के आजा तेरा फूल रहा से दम, जा हम खड़े हो जे वह मेटर खत्म। बताओ देखे कौन सा है गलत है, जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से बताओ, देखिए लाड लो। जल्दी वो संजय दत्त उस तादमान राख्या यार ने तेरा घर में लहू तो सीधी गोली मारने, ऐसे छोटी मोटी धमकिया से डरे न रे कोई है। लाड लो इसमें गलत कौन सा है, आपके फिर आंसर गलत है, लगातार आपका आप अपना दम दिखा रहे हैं लेकिन आपके आंसर लगातार गलत पे गलत गलत पे गलत गलत पे गलत होते जा रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलना मेरे लाडलो, ऐसे काम नहीं चलना, ऐसे तुम्हारी गाड़ी फंस जानी है भाई। देखो इसमें से इसमें जाएंगे कितने प्लस हो रहे हैं भाई, प्लस 5, कितने प्लस हो रहे हैं 5,
प्लस पांच प्लस पांच, यानी पांच पांच प्लस हो रहे हैं पहले क्रम में, इसमें प्लस छ प्लस छ प्लस छ, और फिर इसमें जाएंगे तो प्लस छ, इसमें जाएंगे देखो इसमें से बी में से वाई जाएंगे तो माइनस चार, माइनस चार वी में से माइनस चार, और इसमें से वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस चार, तो माइनस चार करेंगे अगर एस में से तो क्या आएगा भाई बताओ। अब देखिए टी माइनस चार माइनस चार माइनस चार एच माइनस चार करेंगे तो क्या होगा भाई टी आएगा यहां पर, तो यहां क्या लिख रखा है सी लिख रखा है, इसका मतलब गलत क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई गलत पद। हाँ जी एल वाई पी सी, ये जो आंसर बता रहे ना गलत बता रहे भाई, ये जो आंसर बता रहे ये होगा आंसर, ये होगा आंसर, समझ में आई। और लाडवे एक बात बता दूं कि हमारी एकेडमी में अभी 15 तारीख तक एडमिशन ओपन है, जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है यूपी पुलिस राजस्थान पुलिस स्पेशल बैच चल रहे लाडलू, जहाँ रहने खाने सभी प्रकार की सुविधाएं आपने एकेडमी देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो देख सकते हो, 15 तारीख तक एडमिशन ओपन है लाडलू, गारंटी बैच चलते है, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं लाड, ठीक है। आप आ सकते हो, एकेडमी हमारी कहाँ है कुचामन सिटी राजस्थान में, और जो भी बच्चे एसएसजीडी की तैयारी करने लाड दो बता दूं कमांडो अकेडमी के एप्लीकेशन पर आपके लिए टेस्ट सीरीज मात्र अंतिम समय में ₹50 में कर रखी है, आप जाके ले सकते हैं मेरे लाड लो, ठीक है। कमांडो अकेडमी ऐप इंस्टॉल करके कहां से प्ले स्टोर से, चलिए बताइए इसका आंसर भाई क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह, बताइए क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आंसर आएगा, दिखा दीजिए अपना दम। बताइए भाई जल्दी से बताइए भाई बताइए, देखिए आंसर भाई जल्दी से आंसर बताइए भाई क्या आएगा आंसर, बता रहे आप में ज्यादातर लोग 164, क्या ये सही है, कौन कौन एग्री करता है, जो बोलता है कि सर सही है वो यस लिखे, बाकी जो एग्री नहीं करता वो नो लिखे भाई, यस और नो में आंसर दीजिए, देखिए यस और नो में आंसर दीजिए, यस और नो में आंसर दीजिए जल्दी से, यस और नो में आंसर दीजिए भाई, यस और नो में आंसर दीजिए ओनली, जो यस मानता है यस, नो वाले नो। चलिए भाई पता चल गया कि कितने यस है कितने नो है, अब हम कर लेते हैं हल, क्या क्या हुआ इन दोनों को जोड़ो कितने हो जाएंगे 26, 26 इंटू इस 12 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 312, इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 27 गुना 19 करेंगे 513 आ जाएगा, इन दोनों का योग 24 इंटू अगर हम 11 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 264, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 264 हो जाएगा, हाँ जी 264 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 264, कहाँ है अकेडमिक कुचामन सिटी राजस्थान में भाई इसका बताइए भाई, चलिए तो कुछ नहीं है पी को आर क्यों ये लिखा हुआ है आप आसानी से कर लोगे, ये तो मुझे पता है, किसी घड़ी में 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा बताओ, देखिए 3:20 पर इसका आंसर देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं भाई, घड़ी पढ़ी है ना आपने, घड़ी तो हर रोज देखते हो जल्दी से बताओ, देखिए किसी घड़ी में 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा जल्दी जल्दी बताओ, देखिए मेरे लाड लो 3:20 अकेडमी हमारी लाड लो है कुचामन सिटी राजस्थान में, जयपुर के करीब है कुचामन सिटी, कुचामन सिटी राजस्थान में, ये कहां पर है जयपुर के करीब है, जयपुर राजस्थान के करीब है, हेल्पलाइन नंबर है लाड लो
888-10608। दूसरा हेल्पलाइन है 9521061100। ठीक है, दोनों हमारे एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल करके एकेडमी के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकते हैं। भाई बताइए कितने, देखो लाडो, अब जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ा है एक बार देख लीजिए, छोटी सी बात मैं आपको समझा दूंगा। 3:20 तो यहां पर बसती है 3, ठीक है, यहां पर बसती है 3 और यहां पर बसती है 4, लेकिन 3:20 होगी तो घंटे वाली जो सुई होगी ना वो यहां आ जाएगी इस जगह, यानी यहां पर आ जाएगी, घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं। और जो मिनट वाली जो सुई होती है लंबी वाली, ये वाली, तो ये मिनट वाली सुई मान लो कि ये आपकी मिनट वाली सुई है, तो ये कहां पर आ जाएगी, यहां पर जहां 4 लिखा हुआ रहता है ना यहां पर आ जाएगी, ठीक है, 4 लिखा हुआ रहता है यहां पर, तो मान लो यहां पर 4 लिखा है, अब यहां पर लिखा है 3, तो ये इतना तो ये भी आ गई है, अब ये इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मैं आपको बताऊं कि जो मिनट वाली सुई होती है ना वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितने मिनट होती है बेटा, 5 मिनट, तो 5 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का, ठीक है। लेकिन जब वो यहां से चलना करके यहां तक आई है 20 मिनट, तो घंटे वाली सुई भी तो 3 को छोड़ के 3 से आगे आ जाएगी, तो 20 मिनट में ये कितना डिग्री आ जाएगी, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आती है, कितनी आती है, आधा डिग्री आती है, तो 20 मिनट में कितनी आ जाएगी भाई, आप बोलोगे गुरुदेव 10 डिग्री आ जाएगी, अरे आ जाएगी ना भाई, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं बता रहा, तो 30 माइनस क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, बराबर कितने डिग्री का कोण बचा भाई, दोनों के बीच में 20 डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, हाँ जी 20 डिग्री का, ये 22 का कौन बोल रहा भाई, 22 का कैसे बनेगा, तुक्का मार रहा है, है? तुक्का मार रहा, तुक्के बाज, तुक्का नहीं मारना बेटा, नहीं तो जिंदगी हुक्का मार देगी पिछवाड़े में, ये अंतिम समय एग्जाम के लिए, इस समय तुक्काबाजी नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बता रहा हूं उस समय, समझ लीजिए, ठीक है, ये मान के चलिए जो लोग आशक से जो नहीं होते हैं उनकी हालत ये मान के चलिए एक भिखारी जैसी हो जाती है, ठीक है। इस दुनिया में इतनी तकलीफ है, एक ही जीवन है, मनुष्य जीवन इतनी तकलीफों से घिरा हुआ है कि आप अगर आज सक्सेस नहीं हुए इस उम्र में तो मान के चलिए आपकी आगे वाली जिंदगी है ना पूरी की पूरी बदतर हो जाएगी, ऐसी जिंदगी हो जाएगी जानवर की तरह, गद्दा होता ना उसकी तरह, वजन ढोते रहो और चलते रहो, किसी काम की ना कोई शौक पाल पाओगे ना जिंदगी में कुछ कर पाओगे, बस वजन ठाड़ लिया कंधों पे और चलते रहना जैसे तैसे करके, ठीक है, इतनी परेशानियां जिसकी हद ना है, समझे, जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं जिसकी हद नहीं है, इसलिए हाँ एक बात ध्यान रखना, कल रीजनिंग की मैराथन क्लास है लाडो, ध्यान रखना 9 बजे से, जो अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ा है वो कल 9 बजे क्लास में आ जाना, 9 बजे से मैं पूरा का पूरा रीजनिंग का पूरा संपूर्ण कोर्स आपको एक ही क्लास में कराऊंगा, तो जो भी अभी तक नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अब तक ना सही अब सही, कल आप में से बताइए देखें, आप बताइए, सेकेंड का क्वेश्चन नहीं आता बेटा, मिनट और घंटे का आता है, तो लाड़ लो जल्दी से बताइए देखिए आप में से कौन कौन है जो कल की पूरी मैराथन क्लास ज्वाइन करने वाले हैं 9 बजे, बताइए देखें यस और नो, परेशानियां बहुत है जीवन में, और आप हार मान जाओगे, मैं बताता हूं आपको हार मानना पड़ जाएगा बेटा, ये जिंदगी झंड है भाई, बड़े बड़े का गुरूर तोड़ देती है आपकी परेशानियां, कभी मां बीमार, कभी फादर बीमार, कभी उसको भेज दिया, हाँ तो ये बीमारी तकलीफें चलती रहेगी, आप किसी काम के नहीं रहोगे, ठीक है, इसलिए लड़ना है, अगर जिंदा है तो लड़ना है, मुश्किल इंसान के जीवन में आती है कोई बात नहीं, अगर कल अपने आप पे गर्व करना है तो आज हारी हुई बाजी जीतनी पड़ेगी, अगर अपने आप पे गर्व करना है तो आज हारी हुई बाजी आपको जीतनी पड़ेगी मेरे लाडलो, नहीं तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे इस जिंदगी में, ठीक है। और जिंदे इंसान की तकलीफें होती है मरने के बाद में कुछ नहीं, मुर्दे की अगर आप आग भी लगा दोगे तो ऊं तक की आवाज नहीं आएगी, जब तक जिंदा है तकलीफों का मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है, दुख दर्द जिंदे इंसान के मरने वाले के लिए नहीं, जब इंसान मर जाता है तो उसके आप आग फूंक दो, उसको पानी में फेंक दो, उसको कुएं में फेंक दो, कहीं पे भी फेंक दो, उसके 1% की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि शरीर से जान निकल जाएगी,
तो जिंदा है तो मुसीबतें भी है, मुश्किलें भी है, ठीक है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लड़ते रहना, लड़ दो, एक ही जीवन है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, बताइए देखिए क्या आएगा। बताइए देखिए क्या आएगा इसका। बोल बोलो, हाँ मैं तो पक्का आऊंगा गुरुजी, चीर देखना है। चलिए भाई पहाड़ों का, हाँ जी जल्दी से देखें क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ देखिए। हाँ जी जल्दी बताओ देखिए, लाड लो क्या आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं लाड लो, ये सीधा सही है। देखो इसमें ये है, इसमें एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, इसको ये कर दिया, इसमें भी बाहर के हटा दी, ये रखी, इसमें भी केवल ये वाला बच जाएगा, ठीक है। अरे बताओ लाड लो, कुछ लाल पीला है, कोई पीला गुलाबी नहीं है। देखो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए मैं बताता हूं कि कुछ लाल पीला है, ये कुछ लाल है जो क्या है, पीला है भाई, कुछ लाल पीला है। चलिए देखो एक मिनट, इससे समझ में आ जाएगा इजीली। कुछ लाल पीला है, कोई पीला गुलाबी नहीं है, कोई पीला गुलाबी नहीं है, कोई भी जो पीला है वो क्या नहीं है लाड़ लो, गुलाबी नहीं है। तो मान लो ये गुलाबी हो गया, कोई गुलाबी सफेद नहीं है, कोई गुलाबी सफेद नहीं, ये लीजिए भाई। अब आपके निष्कर्ष है कि कोई सफेद लाल नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता हमको नहीं पता, कुछ पीला लाल है, कुछ पीला लाल है, ये बात सही है, कुछ गुलाबी पीला नहीं है, कुछ गुलाबी पीला नहीं है, बात सही है। तो यानी दो निष्कर्ष, दो और तीन सही, ये आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, ये हो जाएगा भाई आंसर। चलिए अगला देखिए, ये सेम है वैसा, इसका बताइए देखिए, 4, 5, 8, 9, 12, 13 क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए देखिए क्या आएगा भाई। अरे सबका एडमिट कार्ड आ गया भाई, अभी अभी तक बोलो, ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक सो रहे हैं, अरे सबके एडमिट कार्ड आ गए भाई, कोई बच्चा ही नहीं है, कोई बच्चा ही नहीं है जिसका एडमिट कार्ड ना आया हो, कोई बच्चा ही नहीं है जिसका एडमिट कार्ड ना आया हो, अभी यू इसका आ गया क्या, उसका आ गया, बताओ देखिए क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। मेरा नहीं आया सर, जिनका रिजेक्ट हो गया है उनके अलावा बाकी सब का आ गया भाई। जल्दी आंसर बताइए भाई, अरे इतना इजी है भाई, +1 +3 +1 +3 +1 +3 क्या आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। चलिए अगले में दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करिए, बताइए शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन आएगा, सबसे अंत में कौन आएगा, बताइए देखे, जल्दी बताओ देखे लाड लो। सबसे पहले तो सभी में 5 है, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि भाई सबसे पहले कौन आएगा, 5 आएगा। अब आप अंत वाला देख लीजिए, देखें या बीच वाला देख लीजिए कि 2 नंबर पे कौन सा आएगा, इसको तो ले लीजिए कि भाई ये तो 1 नंबर पे आ गया, हाँ जी। अब इनमें से देखिए तो कौन सा आएगा,
कौन सा आएगा? पांच के बाद तीन केवल एक ही में है। जल्दी बताओ भाई। सही है। हाँ जी बिल्कुल, देखते ही पता चलता है कि पांच के बाद तीन केवल एक ही में है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई चार नंबर। चलो देखो लाडलो, इन दोनों में से पहले कौन आएगा? देखो ए आर ओ एम, ए आर ओ एम सेम है, ए सेम है, टी सेम है, आई सेम है, इसमें आगे आया सी, इसमें आया ओ, तो यानी ये पहले आएगा। तो पांच और तीन ये क्रम चलेगा, ये केवल इसी में है, पांच और तीन या इसमें है, इसमें और लास्ट में इसमें है दो, तो ये होगा लाड। ठीक है। हाँ जी चलिए अगले में देखें। यदि इसको इस प्रकार लिखा जाए तो ट्रंक को किस प्रकार लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ। देखिए आपकी मुझसे बहुत अच्छी है, धन्यवाद लाडले। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए जल्दी जल्दी बताइए लाडलो। और कल सुबह ध्यान रखना 9 बजे से रीजनिंग की पूरी क्लास है, पूरा रिवीजन। एक ही क्लास में, ठीक है? क्लास है सुबह 9 बजे से, 9 AM से। कितने बजे से? सुबह 9 बजे से क्लास है, ध्यान रखना सुबह 9 बजे से। गुरुजी चीर के दिखाना है उन पहाड़ों को जिनके पीछे मंजिल छुपी हुई है। बिल्कुल सही बात है भाई, चीर देंगे फाड़ देंगे, कोई शक नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है भाई। देखो क्या हो रखा है, प्लस दो माइनस एक, फिर प्लस दो माइनस एक, प्लस दो माइनस एक, उसी प्रकार प्लस दो क्या जाएगा, क्या जाएगा? वी आएगा, प्लस दो करेंगे तो वी आएगा, माइनस एक करेंगे आर में से ए गया, क्या आएगा? क्यू, तो वी क्यू ये रहा, डब्लू तक इसमें सेम है, फिर वापस प्लस दो यानी डब्लू, और माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा? एम, एम किसमें? इसमें है, इसमें भी है, फिर वापस प्लस दो करेंगे तो एम आएगा, यानी नंबर चार से हो जाएगा। प्लस दो माइनस एक, प्लस दो माइनस एक, प्लस दो और माइनस एक, बड़ा ही ठाडा क्वेश्चन है, अरे बड़ा ही ठाडा क्वेश्चन है। चलिए लाड़ दो, यहां से आपका कंपटीशन शुरू करते हैं पांच क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, 27, 28, 29 और 30 चार क्वेश्चन है। इन चार को कौन ये चैलेंज करता है कि चार के चार सही करके दिखाऊंगा? गुरुजी चार के चार सही करके दिखाने वाले, चलिए देखते हैं कितने यहां पर प्राणी है। पहला क्वेश्चन ये रहा, रोबिन इज स्मार्ट 764, पीपल आर इंटेलिजेंट 821, स्मार्ट आर गुड 698 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इज यानी इज का मायना क्या होगा? बताओ भाई, इसका मायना क्या होगा? जल्दी से बताओ लाड लो। बता दो, देखिए जल्दी से इसका आंसर। गुरुजी नेट खत्म हो गया, कल कैराथन, कल मैराथन में मिलते, मेरे को सुनाई दिया कल कैराथन में मिलते, मैं सोचा कैराथन क्या आ गई भाई, मैराथन तो हमने भी सुना है। जल्दी बताओ, देखिए लाड दो जल्दी जल्दी। हाँ जी जल्दी जल्दी बताओ भाई। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। देखे लाड़ दो इसका आंसर बता दो, और मान लेंगे कि 100% सिलेक्शन की गारंटी है उसकी। समझ में नहीं आता कि समझ नहीं आता किस बात का गुरूर है, बाप ओबामा या तो करीना कपूर है? जल्दी से बताओ। देखे लाड़ दो, फंस गई है कईयों की गाड़ी, ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दे दिया। चलिए देखिए लिखा हुआ है रोबिन इज स्मार्ट,
इसको क्या कोड दिया हुआ है 764, यहां पर है स्मार्ट आर गुड। तो दोनों में एक नाम सेम है, कौन है वो? स्मार्ट। कौन है भाई? स्मार्ट। तो स्मार्ट इसमें और इसमें कॉमन क्या है? नहीं नहीं वो मीनिंग की गलती हो सकती है, बाकी स्मार्ट है। तो लाड़ दो, इसमें और इसमें 6 नंबर कॉमन है। तो अब रोबिन और इज के लिए, किसके लिए? रोबिन और इज के लिए लाड़ दो, या तो 7 है या 4 है। तो इज के लिए या तो 4 हो सकता है या 7। तो ऑप्शन में कहीं पे भी 7 है क्या? नहीं है। तो क्या होगा आंसर? हाँ जी 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 7 या 4 में से कोई होगा, 7 ऑप्शन में नहीं है। तो हम किसको मानेंगे? 4 को मानेंगे जी। किसको मानेंगे? 4 को मानेंगे। समझे बात? कहीं भैंस पानी में, हर पूतना पकड़ के तुम भी बेटा उसी पानी में हो। भैंस तो 4 हाथ में रहोगा, निकल जाएगा, तुम ना निकल पाओगे, तुम फंसे रहोगे। और फिर तुम्हारे घर पे पड़ोसी आएंगे, और जब तुम्हारी नौकरी नहीं लगेंगे तब एक बात बोलेंगे तुम्हारे को आगे, फेवरेट लाइन उनकी क्या बोलेंगे? अरे तेरे लिए लड़की देखी थी और उनसे पूरी बात भी हो गई थी, ठीक ठाक है पैसे में भी अगला, घाटी वाटी के देने का भी विचार था, लेकिन तेरा नंबर आया नहीं, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा। इतना बोल के तुम्हारी ऐसी जला के जाएगा वो, आहा, तुम बोलोगे रे एक ही नंबर से रह गया, नहीं तो आज पूरा मामला सेट था, नहीं तो आज मामला एक नंबर हो जाता, एक नंबर के चक्कर में मामला पूरा ही बिगड़ गया। अरे जिनके नंबर आ जाएंगे ना उनका देखना फिर रुतबा, उनके घर पे मम्मी बोलेगी फिर वो लड़की वाले आ रहे तो बोलेंगे अरे मम्मी यार इतना जल्दी क्या यार शादी, यार अभी नहीं करूंगा मैं शादी, अभी 2-4 साल पहले नौकरी करके फिर आराम से देखेंगे, हैं। और फिर बोलेंगे, फिर मम्मी बोलेगी अरे कर ले बेटा शादी तो करनी है, हैं। फिर छोटी वाली बहन को बोलेगा जाके फोटो आई है क्या लड़की की, हैं। देखना उनके हाव भाव बदल जाएंगे, ऐसे चलेंगे गाँव में जैसे ओहो पूछो मत बोले ऐसे, यह है। और जो नहीं लगेंगे ना उनको पड़ोसी तेल लगा देंगे, और जो लग जाएंगे वो पूरे भाव में अरे क्या है कर लेंगे शादी, शादी क्या इतनी जल्दी क्या शादी कर लेंगे आराम से, है ना। सब जानता हूं मैं, ये सब पता है मुझे, मेरी भी नौकरी लगी है भाई, मैं भी तुम्हारे तरह से फौजी बना, तो मैं भी ऐसे फुल एटीट्यूड में था ऐसे, अरे कर लेंगे शादी क्या मम्मी कर लेंगे शादी, शादी करती रहती पूरे दिन, क्या शादी है कर लेंगे शादी। जानता हूं मैं तुम्हारे को बेटा, मेरी भी तो लगी थी नौकरी, तुम्हारी अब लगेगी, मेरी 2015 में लग गई थी, 2017 में 21 मार्च 2017 को है फुल फॉर्म में आ गया था मैं भी, हो पूछो मत ऐसे गांव में ऐसे, ये ऐसे पूरा ऐसे ट्रेनिंग करके आया था, ये आर्मी वाली जैसे ये टी शर्ट अभी पहन रखी है, ऐसे पूरी टी शर्ट भी शेड फुल ऐसे फॉर्म में है, नीचे जींस वींस जूते वूते फौज वाले है, पूरी फॉर्म में था। तुम भी आओगे कोई बात ना, तुम भी बेटा पूरी फॉर्म में रहोगे मेरे तरह, देखना तुम, तुम्हारी नौकरी लगेगी ना तो पूरे फॉर्म में रहोगे गांव में, ऐसे एंट्री मारोगे जैसे अरे फौजी आ गया है, और गांव वाले भी पूछेंगे अरे कितने दिन की छुट्टी आया फौजी, कितने दिन की छुट्टी आया फौजी, ऐसे फौजी फौजी सुन के आ दिल में से ठंडी सी लगेगी, आहा है पूरा चौड़ा हो कैसे चलेगा, जितना चौड़ा खुद होगा ना उतने ज्यादा चौड़ा तेरे बापू होगा, बापू तो पूरा ऐसे छाती करके ऐसे चलेगा, ऐसे आराम से रखेगा पैर को कि जमीन हिल ना जाए, है पेट का पानी तक ना हिलने देगा बापू, इसलिए तैयारी बढ़िया करना, देखना बापू के कड़क आ जाएगी जवानी चढ़ जाएगी तेरे बापू के बुढ़ापे में भी, इसलिए बढ़िया से तैयारी करना, बताओ देखिए क्या आएगा। देखो लाड़ दो, इसमें से इसमें क्या हुआ है? प्लस 6, और इसमें से प्लस माइनस 5, और इसमें से इसमें प्लस 8। तो इसी प्रकार देख लीजिए किसमें क्रम बन रहा है। अरे हाँ भाई मुझे पता है मेरा डीपी, देखो गुरुजी, अच्छा आपने हमारा ही डीपी लगा रखा है क्या? अभी बलोग जी हमारा डीपी लगा रखा है, है? आज एयरफोर्स की भी तैयारी होती है, जल्दी से बताओ देखिए लाड़ दो क्या होगा। देखो इसी प्रकार जैसे इसमें हुआ उसी प्रकार इसमें प्लस 6 माइनस 5
और वापस प्लस 8 लाड दो, तो ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। हाँ जी हाँ, नमस्ते जी नमस्ते। बोल रहा है बहुत फेंकता है तू भाई। ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती, इनके पिछवाड़े में आग लगती है, और गारंटी है इसमें कोई शक नहीं भाई, तू फौजी बनेगा। तो फौजी बनेगा ना, तो घमंड आना चाहिए इसमें कोई शक नहीं है। देखो बेटा, एक होता है अहम और एक होता है भहम। अहम इंसान में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अहम का मतलब क्या होता है? सिर्फ घमंडी नहीं होता है, अहम का मतलब होता है कि आप में खुददारी होनी चाहिए। अगर आप फौजी बने हो तो बिल्कुल एटीट्यूड फौजी वाला होना चाहिए, ठीक है? ये हमने ले रखी है, मुझे फौज के नाम पे ले रखी है, बिल्कुल है। इसमें क्या जगह है फौजी तो रखेंगे, मुझे ये ठाडी गाड़ी के आगे लगा रखा कमांडो की प्लेट ऐसे। अगर चालान भी भरना पड़ जाए ना तो भी भर देंगे, लेकिन है तो लगाएंगे। पूरा लिख रखा है COMMANDO, कमांडो है। फौजी तो लगा रखा है, घमंड है इस बात का कि भाई फौजी है। क्यों? क्योंकि देश के लिए मरने मिटने तक तैयार है, इस मातृभूमि के लिए। और अगर किसी को शक हो तो ये भी बता दें कि गोलियों का सामना भी किया है। गलती से एक बार हमने वीडियो भी पोस्ट कर दिया था, फिर वापस हटाया उसको। तो ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, दूसरों से तकलीफ होती है दूसरों को देखे। मैं बिल्कुल आपको बोलता हूं, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए या जिस दिन आप ट्रेनिंग पे जाओ, वापस आओ तो वर्दी पहन के आना घर पे, ताकि पड़ोसियों के छाती पे मूंग वैसे दल जाएंगे, पिछवाड़ा दल जाएगा, उनका पेट्रोल की जरूरत ना पड़ेगी और आपके माँ बाप की छाती चोरी हो जाएगी। बेटा वर्दी पहनने के लिए दिए, बिल्कुल पहनना वर्दी। कोई बोलता है कि सर आप वर्दी में रहते हो, बिल्कुल रहते हैं भाई, किसी को शक तो उतरा के दिखा दो, मेहनत की है पहनेंगे। मैं तो यही कपड़े पहनता हूं हर टाइम, आप भी पहनना बेटा, ठीक है? बिल्कुल पहनना, लेकिन काम भी वैसा ही करना, इज्जत वाला काम करना। गांव में समाज में इज्जत होनी चाहिए, कभी भी किसी भी लड़की के प्रति या किसी भी के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए, गलत भावना नहीं होनी चाहिए। अगर वर्दी पहन के आप किसी भी प्रकार का काम करते हो तो ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी भावना होनी चाहिए आपके प्रति, हर एक इंसान के प्रति मददगार बनो, तो बिल्कुल आप पहनिए, कोई शक नहीं है। और ट्रेनिंग करके जब वापस आओ तो वर्दी पहन के जरूर आना, ताकि आपके माँ बाप को देख के वो खुशी मिल सके, और जो ये जिनकी तैयारी नहीं है ना, इनके पिछवाड़े में आग लग सके, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं कि सर आप हर टाइम वर्दी पहनते हो। बिल्कुल हर टाइम पहनूंगा, 24 घंटे में तो यही पहन के सोता हूं और यही पहन के उठता हूं। ऐसी भाई ये कमाल की चीज है, काले से काले आदमी को पहरा देना तो गोरे से गोरे को फेल कर दे वोटिंग में। ऐसे लिखा सा एक साइड में लिख देना ऐसे फौजी, और इधर लिख दे हीरो, क्योंकि ये रियल हीरो है सब जानते हैं। तो यहां पे लाइक वाला बटन ज्यादा दबेगा, यहां पर नहीं, करके देख लेना किसी को शक हो तो। इसलिए अहम होना चाहिए, भयम नहीं। भयम किसे बोलते हैं? कईयों को भयम होता है कि मैं बहुत बड़ा 30 मार का और एक थप्पड़ पड़ते हैं पूरा का पूरा नशा बाहर, तो वो भयम नहीं होना चाहिए, अहम होना चाहिए, अहम इंसान में होना चाहिए। अगर आपने जिंदगी में कुछ हासिल किया है, आप एक बस्ती से, मैंने आपको बताई मेरी कहानी कि मैंने खदान का काम किया है, चाय का ठेला लगाया है, पानी पूरी का ठेला लगाया है, आज वहां से यहां तक हूं, तो बिल्कुल इस बात का अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। यह ले रखी देख मुझे, बोलते हैं कि माया बादल छू भेली हुए, तिर वायु छू जाय अग्निर, कायर नर भेली करेर, नर मुछाणा खाय, है ना? जो मुछ वाले होते हैं ना, नर नर का मतलब होता है व्यक्ति जो ताकतवर होता है, मुछे वाले वो खाते हैं माया को। तो ये नहीं, मुछे रखनी है तो कृपा दिखाने के लिए नहीं, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है भाई, इसमें मरोड़ी लगाते हो तो काम भी वैसा होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई बोलता है ना आपको, तो उसको बोल देना बेटा वक्त आएगा, जवाब में नहीं, मेरा समय बताएगा। चलो बताओ देखे, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ देखे, लाड लो आंसर क्या होगा। हाँ जी, लव यू फौजी भाई, लव यू जी, लव यू बेटा। बुराई करनी आपको, अच्छा हमारी जो बुराई करते हैं वो अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं लाडले। आपकी अगर कोई इंसान बुराई करता है, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप जिंदगी में आपने कुछ किया है, क्योंकि
क्योंकि लोग उसी में बुराई है ढूंढते हैं बेटा, जो कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता उसमें क्या बुराई ढूंढने के लिए मेरे लाडले, जो कुछ नहीं करता उसमें क्या बुराई मिलेगी बताओ मुझे, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। लाड दो देखो ये क्या है, 12 का वर्ग कितना होता है 144 और माइनस 4 करेंगे तो 140। उसी प्रकार 29 का वर्ग कितना होता है लाड दो 841 और माइनस 4 करेंगे तो 837। सही है बात, याद रखना कल सुबह 9 बजे मैराथन क्लास है रीजनिंग की, ठीक है, पूरा सिलेबस एक ही क्लास में आपको, ठीक है। मांद शेर घोंसला, कुत्ता मगरमच्छ बिल्ली और चिड़िया, जल्दी बताओ लाड दो के मांद शेर घोंसला के सो सुनार की एक लोहार की, बेटा वक्त आ गया एसएससी जीडी में इस बार वार करने का गुरुजी, एक बार वो वाला तुमका हो जाए, कौन से वाला, पड़ोसियों के घर के सामने डीजे लगा के, हाँ पड़ोसियों के घर के सामने डीजे लगा के मारेंगे बिल्कुल ऐसे ठाक, ठुमके तो बहुत मारेंगे ठुमके तो, अरे सब कुछ करना जिंदगी में मस्त रहना, आप खुश रहोगे इससे भी लोगों की जलती रहेगी, इसलिए जलाते रहिए बेटा, खुश रहिए हमेशा, चेहरा पे स्माइल रखिए, दुख तकलीफे इस जो इंसानी मनुष्य जीवन है इसमें चलती रहती है, इसलिए चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखिए, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं, नवाबों का शहर लखनऊ, जल्दी से बताओ लाड दो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जी, मांद किसमें रहता है बेटा, मांद में कौन रहता है, शेर रहता है और घोंसले में चिड़िया रहती है। हाँ जी, खेत किसान, खेत किसान, लेकिन अभी खेत में नहीं है किसान, अभी रोडों पे है किसान, ये क्वेश्चन ही गलत है, अब अभी का जो समय इसके अनुसार ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि रोड किसान, तो फिर राइमिंग अच्छी बैठ जाएगी। खेत में कहां है किसान बेचारा, रोड पे बैठा है, तो खेत किसान, फैक्ट्री कर्मचारी, थिएटर वैज्ञानिक, रेस्टोरेंट डॉक्टर, नौकर घर, बताओ देखिए लाड दो, सही कहा आपने, अरे हम तो सही कहते हैं बेटा, फॉरम रिजेक्ट हो गया बेटा, किसकी गलती है मुझे ये बताओ, भाई बेटा खेत में नहीं है किसान, किसान खेत में नहीं है, किसान किसान कहाँ गए हैं, धरने पर, चौधरी चरण सिंह ने कहा था किसानों को, क्या कहा था पता आपको, कहा ध्यान रखना कि हाथ पैर खेत में, नजर दिल्ली में रखना, बात समझ में आई, वो समझ गया, खेत किसान और फैक्ट्री कर्मचारी, बेटा जिस प्रकार खेत में किसान होते हैं उसी प्रकार फैक्ट्री में कौन होते हैं, कर्मचारी होते हैं। एक चीज बता दूं, जिसने अभी तक कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया लाड लो, जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिए, कमांडो अकेडमी के नाम से मेरा एप्लीकेशन है, आपको संपूर्ण कोर्स भी अवेलेबल है और स्पेशली टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, पूरी खतरनाक टेस्ट सीरीज मात्र 50 रुपये में आप सभी के लिए, अंतिम समय और लास्ट ऑफर है आपके लिए, कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज लाड दो SSCD का मॉक टेस्ट। चलिए इसका बताइए, इनमें से एक अलग है भाई, विषम है, बताइए। बताइए लाड लो, विषम छाट, ये विषम छाटना इनमें से एक अलग है, भिन्न है, कौन सा है वो भिन्न वाला, जल्दी से बताइए, देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं ठोका ठोक दीजिए भाई, कल है भाई 12 घंटे की मैराथन, कल है, कल 9 बजे से, कल 9 बजे से है लाड लो। बताइए लाड लो, देखो इसमें से क्या हुआ, -2
माइनस दो, माइनस दो, माइनस दो, माइनस दो, और माइनस दो की जगह यहाँ पर क्या आ गया भाई, प्लस दो आ गया है, और बाकी सब में माइनस दो ही चल रहा है, तो ये अलग हो गया, अलग हो गया ना। हाँ जी अलग हो गया। चलिए जी इनमें से बताइए, आहा संतरा अमरूद बैंगन और सेब, इनमें से अलग बताइए भाई। हाँ कल छठ पूजा है क्या, कल छठ पूजा है, अरे हाँ कल छठ पूजा भी है। बताइए देखिए लाड लो कल, हाँ छठ पूजा ही है शायद, जिसने अभी तक लाइक नहीं ठोका देखिए ईमानदारी से ठोक दीजिए लाड लो, बताओ देखिए लाड लो हाँ से बताओ। बताओ देखिए जल्दी से, जल्दी बताओ लाड लो, बोलते ना बिना पेन देगा लोटा, या बैंगन भी बोल देते हैं भाई। बैंगन क्या है, सब्जी है, क्या है, सब्जी है, बाकी सब क्या है, फल है, क्या है भाई, फल है, हाँ जी फल है लाड लो। चलिए एक बार में कल की आप सभी का चलिए आंसर दीजिए इसका, हत्था ट्रक कार और साइकिल, बताइए इनमें से अलग कौन सा है, जल्दी से बताइए कि इनमें से अलग कौन सा है भाई। जल्दी से बताइए कि लाड लो इनमें से अलग कौन सा है, जल्दी जल्दी मेरे लाड लो, जल्दी जल्दी थोड़ा जल्दी कर लीजिए पांडे जी, जल्दी जल्दी बताइए, बताओ देंगे भाई। अरे इसका भी नहीं बताओ, वारे वाह भाई वारे वाह, सारे मेरी क्लास में आ जाते हैं सारे बावले प्राणी। सारे प्राणी मेरी क्लास के लिए इंतजार करते हैं क्या, सारे बावले प्राणी हैं। लाडलो कल की जो क्लास है मेरा था ना, उसका मैंने लिंक ऊपर पिन किया है, सभी के सभी अभी के अभी देखिए जितने भी पुरानी क्लास में सभी उस लिंक पे क्लिक करेंगे और लाइक करके आएंगे, ताकि जैसे ही मैराथन शुरू होगी आप सबके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जितने भी मेरे लाडले हैं ऊपर मैंने लिंक पिन किया, चलिए देखिए देखिए एक बार। हाँ जी लाडलो आप सभी के लिए 12 घंटे से मतलब नहीं है, आपका रीजनिंग का जितने भी चैप्टर है टोटल के टोटल चैप्टर में जीरो से लास्ट तक क्रमवार करा रहा हूं लाडलो, क्रमवार। हाँ जी तो जितने भी लाडले ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और कल की मैराथन को लाइक करके तुरंत वापस आ जाइए। बताइए इनमें से कौन सा हत्था ट्रक कार और साइकिल, लाडलो ये तीनों क्या है, वाहन है, क्या है, वाहन है, जबकि हत्था एक बिल्कुल अलग चीज है, हत्ते को हाथ से लाना पड़ता है ऐसे, ठीक है। जल्दी से जाइए, देखिए ऊपर लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके तुरंत आए थे कि इसी क्षण उस लाइव स्ट्रीम पर 600 लाइक होने चाहिए, 600 बच्चे लाइव में तो 600 लाइक होने चाहिए, जल्दी से जाइए देखिए दौड़ के। बंदूक मारना, कलम लिखना, मेज फर्नीचर, रबड़ मिटाना, इनमें से अलग बताना है, बताओ देखिए। हाँ जल्दी से, अरे पप्पू यादव जी ले लिया आपका नाम, यार पांडे जी क्या बात करते हैं, आपका नाम नहीं लेंगे तो कहां जाएंगे भाई। धन्यवाद बजरंगलाल जी, धन्यवाद लाडलो। चलिए जल्दी से जल्दी सभी एक बार लिंक पे क्लिक करिए और सभी शेयर करिए देखिए ज्यादा से ज्यादा लाडलो, ताकि आगे मैं आपकी मैथ की जो मैराथन है 12 घंटे की वो भी कर पाऊं, आपका हौसला बहुत काम में आएगा उस क्लास के लिए। और जबकि आपको पता है कि मैं 2 दिन से पूरा बीमार चल रहा हूं, अगर ये देखिए टेबलेट ले रखा हूं अभी भी हाथ में, है ये देखो लाडलो, जब क्लास शुरू किया ना उससे पहले एक इंजेक्शन लगा के शुरू किया हूँ, तब खुद ही नहीं कंप्यूटर और डॉक्टर को बुला के एक इंजेक्शन लगाया हूँ, और ये देखो टेबलेट, ठीक है, नहीं तो क्लास ही नहीं कर पाता, इतने हालत ख़राब है। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं मैराथन लेके आ रहा हूँ कि चलिए मैंने की नहीं आपके लिए पूरी एक बार कोर्स कराता हूँ। तो अगर आप एक बार जितने भी लाड लें
कल की जो मेरा था ना, आप सभी के व्हाट्सएप स्टेटस में होनी चाहिए, क्योंकि जितना मेरा हेल्पलाइन वाला नंबर आप सबके पास है, मुझे पता है ऐड, आप जैसे मेरा कोई भी मेरा स्टेटस पे लगाता है, जैसे एक निशा यादव नाम की लड़की है, एक पूजा है, एक नंदीप नाम का लड़का है, एक मुकेश है, मैंने कल बहुत सारों के देखे थे, उनके व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ मैं हमेशा, उस पर मेरी क्लास होती है, ठीक है। तो ऐसे चाहने वाले चाहिए, डाल दो इसमें से। देखो, बंदूक मारना, कलम लिखना, मेज फर्नीचर और रबड़ मिटाना। अब इसमें कॉमन चीज क्या है, देखिए अलग कौन सा होगा मैं आपको बताता हूं। बंदूक से मारा जाता है इंसान को, यानी किसी न किसी काम में आ रही है, कलम से लिखा जाता है बात सही है, और रबड़ से मिटाया जाता है। लेकिन मेज फर्नीचर, मेज से थोड़ा ना फर्नीचर बनता है, फर्नीचर का एक हिस्सा है मेज, तो ये अलग हो गया है, बाकी सब कहीं ना कहीं काम में आ रहे हैं। हाँ जी, चलिए अगला देखिए। एलपी का पिता है, आरपी की बहन है, एसआर का एकमात्र पुत्र है, एल और वी केवल एक ही पुत्री है, पीएस से किस प्रकार संबंधित है, लाड लो जल्दी से बताइए, जिसने अभी तक लाइक नहीं आए। बेटा 2 रुपए वाली टेबलेट ले रहे, 2 रुपए वाली नहीं है भाई, वो बहुत रुपए लेके गया यार, क्या बात करता है, 2 रुपए वाली टेबलेट है, फिर वो मेरे को 2 दिन से इंजेक्शन लगा रहा है। ओ केमीमैक्स, ये सुमो सुमो टेबलेट आती है, भारी आती है ये। टेबलेट टेबलेट होती, रुपए नहीं देखना है, जो भी है। अरे जीके में पढ़ाओ ना, हाँ लाडले देखो, जो मेरी मैराथन क्लास होगा आपको शेड्यूल बता देता हूँ। अभी कल मैं रीजनिंग के लिए क्या आ रहा हूँ, उसके बाद में आप एक हिंदी की 12 घंटे की मैराथन होगी आपकी, उसके बाद में फिर एक मैथ की होगी, उसके बाद में एक करंट जीके की होगी पूरी की पूरी मैराथन पूरे दिन, उसके बाद में एक जीके जीएस की होगी, ठीक है। ये 5 मैराथन है लगातार आपके 5 दिन। देखो एल पी का पिता है, जो एल है वो पी का क्या भाई, पिता है, आर पी की बहन है, आर ये इसकी बहन है, एस आर का एकमात्र पुत्र है, ये एस इसका एकमात्र पुत्र है ना, एल और वी के केवल एक पुत्री है, एल और वी के केवल एक पुत्री है, तो वी का तो यहां कोई कनेक्शन मिला नहीं है। पी एस से किस प्रकार संबंधित है, जो पी है वो एस का किस प्रकार संबंधित है भाई, मामा या चाचा, हाँ जी मामा या चाचा भाई, लाड़ दो। देखिए 1500 लाइक का टारगेट करिए खत्म, और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं, कल सुबह 9 बजे लाड़ दो, सभी ऊपर लिंक दिया, ईमानदारी से देखें, इस समय 600 बच्चे हैं, 600 के 600 कल वाली जो स्ट्रीम मैंने लिंक ऊपर दी है उसको अभी लाइव को लाइक करेंगे, और 600 के 600 व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएंगे, कल तक मुझे उस क्लास पर कम से कम 1000 प्लस लाइक चाहिए, ताकि अगर मैं बीमार भी रहूंगा तो भी फिर मैं आपकी मैराथन करूंगा ही करूंगा, इसमें कोई शक ना है भाई, ठीक है। देखे देखे आज दिखा दीजिए अपना दम, देखे अभी जाके मैं चेक करता हूं, क्या हुआ, कमांडो फाउंडेशन बेच लिया था, अब नहीं है, क्या प्रॉब्लम हुई बेटा, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, हेल्पलाइन नंबर पता है ना आपको, 9588106080 पे कॉल करना, कब, कल सुबह 10 बजे करना, और जो भी प्रॉब्लम हो बताना, उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। हाँ जी विजय सिंह जी, हाँ जी ठीक है, लाड़ लो चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इस गति दाव चल छैया छैया पाओ जनत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 यार है तो खुशबू की तरह हो उसकी जुमा और तू की तरह जैकपॉट। हाँ जी अच्छा जैकपॉट पढ़ाओ लाड़ लो, जैकेट पहन लो, हाँ जी जैकेट किसने बोला भाई जैकेट पहन लो, कौन बोला भाई जैकेट पहन लो, कार्तिक थप्पड़ जैकेट पहन लो, हाँ भाई अच्छा जैकेट भी ले रखा है, देखो कल जैसे ठंड लगी ना मैं जैकेट भी ले आया हूँ, आप लोग बताना मेरा जैकेट कैसा है, ठीक है, मैं देखो जैकेट भी ले आया हूँ कल।
बताना कैसा है मेरा जैकेट। बताओ भाई कैसा है जैकेट। कल जैकेट ले आया, कल ठंड लग कल लग गई थी मेरे को सर्दी, सर्दी लगते लेके आ गया भाई। हैं आप भी सर्दी का पूरा ख्याल रखे लाड लो, ध्यान रखना अंतिम समय है, पढ़ाई करना अच्छे से और विशेष करके बीमारी का ध्यान रखना, क्योंकि बीमार इंसान कुछ नहीं कर पाता। मैं भुगत भोगी हूँ, कल से बीमार हो गया हूँ, बहुत मुश्किल से आपको पढ़ा पा रहा हूँ। टोपा भी लाया हूँ भाई, ये देखो पूरा सामान ले आया हूँ, सब कुछ ले आया हूँ भाई। ठीक है, ध्यान रखना तबीयत का भी, सर्दी है ठंडा है और बीमार नहीं होना, चाहे कुछ भी करे बीमार किसी भी कंडीशन में नहीं होना। अच्छे से खाते पीते रहो, मस्त रहो और बढ़िया से तैयारी करो मेरे लाड। ठीक है, ओके मेरे लाड, सुबह मिलते हैं, सुबह कितने बजे मिलते हैं? 9 बजे मैराथन क्लास में। ठीक है, और हाँ एक खास बात, जिनको हमारी वजह से पिछवाड़े में आग लगती है हमेशा ये लगाते रहेंगे, ओके आप ओपन करिए, हम पेट्रोल डालते रहेंगे। जय हिंद जय भारत मेरे लाडलो। लाडलो ये लाइन लिखा लेना गाड़ी के पीछे की, जिसको भी हमारे से आग लगती है, जिसको भी हमारी वजह से पिछवाड़े में आग लगती है, आप ओपन करते रहिए, हम लगाते रहेंगे जी। जय हिंद।